कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में भी, पुंछ और राजौरी में भी आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है हालात बदले हैं? ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का, आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठाया करते थे। 2024 चुनाव के लिए आप अभी मौजूदा सांसद हैं अपनी सीट से, देखिए साहब मैं आपसे ये कहूँ, सुनिए, हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, DDC के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, और ये जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्होंने नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा, जब ये कारगिल में कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में चलेगा ऑपोजिशन के लिहाज से, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो? मैं इंडिया ऑपोजिशन ग्रुप का एक मेंबर हूं, जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम चलने वाले हैं। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? माय मैसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑलवेज कीप रेडी फॉर द पोल्स। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी किया है। वहीं 2024 के चुनावों के लिए किस प्रकार की तैयारी है, क्या इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में चलेगा या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का मैनिफेस्टो होगा, इन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या दिए, आइए आपको बताते हैं। फारूक साहब, एक बार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर में देखने को मिला है, रिटायर्ड एसओ निशाना बनाया गया है टेररिस्ट के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद में जब अजान की नमाज चल रही थी तो किस तरह से देखते हैं, कितनी नफरत है? मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोसनाक खबर आपने मुझे सुनाई है, एक SSP रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये कर रहे हैं उनका मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेगा। आतंकवाद का अगर हमने ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद ख़त्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज़ की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा, इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद ख़त्म हो। कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में भी, पुंछ और राजौरी में भी आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है हालात बदले हैं या बदतर हुए हैं? जनाब मरकज तो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हंकी डोरी है यहाँ पे। आप कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा, या तो हमारी नज़र और आपकी नज़र में फ़र्क है, उनकी नज़र को दिखता नहीं है। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का, आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठाया करते थे। आज तो इनका शासन है, दिल्ली का डायरेक्टली शासन है, उन्हें सोचना चाहिए। शोर करने से और दुनिया में एक डंडूरा पीटने से कुछ नहीं होगा, लोग यहाँ मर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है फारूक साहब? सॉल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा, फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सॉल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा।
आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? ये उनको देखना पड़ेगा। फारूक साहब, 370 की रिव्यू एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो वहाँ पर क्या डिस्कशन हुई? आगे जाकर आप लोग एक बार फिर से कोई पिटीशन फाइल करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं 370 के लिए, क्योंकि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्यों आप लोग इतना भाग रहे हो? आहिस्ता से देखते जाइए क्या होगा। वो कहते हैं इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 2024 चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। उमर साहब ने एक रैली में ये कटाक्ष किया कि पीडीपी ने अगर 2015 में दोस्ती का हाथ थाम लिया होता तो आज जम्मू से 370 महरूम नहीं हुआ होता। क्या लग रहा है कि एनसी? ये सवाल आपको उमर साहब से करना चाहिए। मैं उसका बाप जरूर हूं, मगर मैं उसके लिए जवाब नहीं दूंगा। सांसद है अपनी सीट से। देखिए साहब, मैं आपसे ये कहूँ, सुनिए, हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, डीडीसी के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, और ये जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्हें नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा? पूछे सरकार से, हम तो तैयार थे। सरकार को क्या ऐसा लगा कि जब वो ढूंढूरा पीट रहे सब जगह, सब ठीक है ठीक है ठीक है, क्या वजह हुई इनको वो इलेक्शन नहीं करने से? जब ये कारगिल में कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है ये उनसे पूछ। इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में चलेगा ऑपोजिशन के लिहाज से, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो? मैं इंडिया ऑपोजिशन ग्रुप का एक मेंबर हूं। तो जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम चलने वाले हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्या सभी इलेक्शंस में एक साथ इलेक्शंस लड़ेंगे, जिस तरह से कटाक्ष? आपको क्यों इतनी गम पड़ा है हम किससे लड़ेंगे किससे नहीं लड़ेंगे? क्यों वक्त बताएगा हम किससे लड़ेंगे किससे? टाइम है इलेक्शन का, कुछ भी अपने दिल की बात। भैया कहाँ से मैं आपको इलेक्शन का बताऊं? इलेक्शन का डेट ही नहीं आया है, 2024 की बात पता ही नहीं है कब होने वाला है। 2024 की बात कर रही हूँ। आपको कहते हैं कि आप दिल से बात करते हैं और कश्मीर की जनता या जम्मू की जनता आपको फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी मानती है। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? माय मैसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑलवेज कीप रेडी for the polls, sir, always. And for the change? For the change? What किस change? किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? In the mindset of people of Jammu and Kashmir. हजूर, अगर आज भी इनको नहीं पता हम क्या बदलाव चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? PAGD की next meeting कब हो सकती है? वो भी हो जाएगी, जब आप देखेंगे आपको हो जाएगी। Thank you.